कार्य है और शाला है, कार्य है शाला है, कार्य का क्यों होगा काम और शाला का क्यों होगा? तो अभी तो हम स्कूल में पहले पढ़ते हैं ना, काम खत्म ही करते हैं, होमवर्क क्लास वर्क करते हैं, पर जब हम लोग कुछ और भी कर रहे होते हैं, मिलजुल करके कोई काम कर रहे होते हैं, है ना, एक कार्य कर रहे हैं मिलजुल करके, तो उसको उसको जो है हम लोग बोलते हैं कार्य शाला, ठीक शुरू करते हैं, ठीक आ रहा है अगर आवाज के। तो इस कार्यशाला का आयोजन प्रारंभ कर रहे हैं, आज का तारीख है, खड़े हो जाना है, हाँ 29 तारीख है, और दिन कौन सा है? सोमवार। और कब तक करेंगे अपनी कार्यशाला? आप चार लोग जल्दी, महीना कितने दिन का है? वो कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है, ठीक, कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, सुना है? सुना है। और भानु भैया की जो लोगों की जो भाभी है वो भी आई जी से बैठी हुई है ना, अभी आई जी पास निशा जी आप खड़े होते हैं तो आपको देख लेंगे, ठीक है। तो कार्यशाला में कार्य करने के लिए आप हैं, और उधर बैठे हुए डॉक्टर महेश जैन, वो पीजीबीटी कॉलेज है आईएससी उसके, वो आई सी है, और मैडम साहब वो भी प्रतिथि हैं, रवि ठाकुर, रवि ठाकुर जी भी पीजीबीटी में है, और पीछे जो लोग बैठे आप लोग गदर से मुड़ेंगे नहीं, तो बाद में तो सेशन के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं उसके बारे में महेश जी के साथ से बात करेंगे, ठीक। सम्माननीय हमारे संस्थान के निदेशक हमारे आपके विद्यालय के प्राचार्य जी और आदरणीय भानु भैया हमारे स्टाफ के सदस्य, ये छात्र छात्राओं, 6 दिन तक अपन लोग साथ में रहेंगे। उन 6 दिन में जो अभी जैसे सर बता रहे थे कि कार्यशाला अपन कर रहे हैं, तो इसमें सीखेंगे क्या? अभी जब आप फार्म भर रहे थे तो बड़ी आपके सामने समस्या आ रही थी, अपन एक कायदे तो हैं जो बातें करते हैं, जब लिखने की बात आती है कि आपसे अभी कोई धीरन जी बात कर रहे थे, आपके सर धीरन सर कि आपको ऐसे लिखना है, अरमास मैडम भी बोल रही थी अभी मैं सुन रहा था कि सुख क्या है, अब जब ये तो अपन जानते हैं कि सुख क्या है, पर लिखने में बड़ी कठिनाई होती है ना, जैसे शक्कर खाते हैं अपन तो मीठी लगती, गुड़ खाते हैं कैसा लगता? मीठा। अब आपसे कहें कि शाम तक हमें केवल ये समझाओ कि मीठा कैसा होता है, तो समझा सकते नहीं सकते, बड़ी कठिनाई कठिन बात, जबकि अपन सुबह से लेकर के शाम तक ही गुड़ खाते रहे पर समझा नहीं सकते कि मिठाई कैसी होती है। सबसे सरल तरीका है उस गुड़ को सीधा खा लो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा तो गुड़ कैसा होगा, समझाया नहीं जा सकता। तो ये जो चीजें हैं जैसे सुख क्या है, अपन अपन क्यों पढ़ रहे हैं, अपन की पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, जो अपन जैसे आठवीं करेंगे, नौवीं करेंगे, दसवीं, बारहवीं, फिर इंजीनियरिंग करेंगे, आप लोग डॉक्टर बनेंगे, जो भी जो करेगा, क्या अंतिम उद्देश्य है? सुख की प्राप्ति करना, ठीक है ना, तो हम अच्छे से रहें, प्रसन्नता से रहें, सबके साथ मिलजुल करके रहें, यही अपन सीखते हैं दिन भर, ठीक है ना। तो वास्तव में रहना कैसे चाहिए, कैसे सुख पूर्वक रह सकते हैं, अपन चर्चा करते रहते हैं, बाहर हमारे पेड़ पौधे लगे हैं, हम इनके साथ प्रकृति के साथ पर्यावरण के साथ बहुत मित्रता के साथ रहे, कैसे रहे मित्रता के साथ, वहां तो बैठ नहीं जाएंगे जाकर, तो अपने अंदर कैसे भाव होना चाहिए, किस तरीके का हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार होना चाहिए, कैसे हम मिलजुल करके रहेंगे, कैसे प्रेम पूर्वक रहेंगे, कैसे परस्पर में हम एक दूसरे को समझेंगे, तो ये जो बातें हैं जिनको अपन केवल चर्चा करते रहते हैं
पर वास्तव में उनका उपयोग कैसे करना चाहिए जीवन में, जब तक हम उपयोग नहीं जानेंगे ना, देखो ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना कि अपन से बहुत सारी चीजें सीख ली, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि किसी ने साइकिल बनाई, वो बहुत ही अच्छी, नहीं चला पाता वो, जितनी अच्छी आप चला लेते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो जीवन में उतारते उसके लिए केवल ज्ञान है, कौशल नहीं है। कौशल आपके पास में है, तो इस कार्यशाला के माध्यम से हम कौशल सीखेंगे, ज्ञान नहीं। सुख की जो अपन बात करते हैं ना, वो कठिन हो जाती है। जब आप लिखोगे कि सुख क्या है, प्रेम क्या है, तो आपको बड़ी कठिनाई लगेगी, पर जब आप व्यवहार में उसका उपयोग करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे, प्रकृति के साथ कैसे रहना है, आपस में दूसरे से समझ कैसे बढ़ाना है, इन बातों को जब अपन आपस में व्यवहार करके उनको सीखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो हमारे बीच में भानु भैया आपके साथ में 6 दिन तक लगातार, ये आपको बहुत मजा आएगा। बस अगर आपने ये सोचा कि अरे हम कहां 8 बजे से हम 5 बजे तक बैठेंगे, तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको इसमें मजा आना चाहिए कि हमें इतना अच्छा अवसर मिला, इतने दूर दूर के लोग आए हैं आपके बीच में पढ़ाने के लिए, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप उसको एंजॉय करो, आपकी सब व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेगी, बीच में भी आपका कभी बर्थडे होगा तो आप बताना, तो आपको टाफियां भी मिलेंगी, सब चीज मिलेगी, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। केवल आपके लिए ये ध्यान रखना है कि आप कितना सीखते हैं। घर पे जाकर उसकी चर्चा करें, मम्मी पापा से चर्चा करें कि आपने क्या सीखा है। आपके मम्मी पापा को भी लगना चाहिए, किसी दिन यदि ऐसा होगा तो हम आपके मम्मी पापा को भी यहाँ पर बुलाएंगे कि आपके बच्चे ने घर जाके आपको क्या बताया, कि उन्होंने क्या सीखा है 4-5 दिन में, तो आपके मम्मी पापा भी बताएंगे कि कितनी अच्छी बातें आप सीख करके गए। तो आपको ऐसे सीखना है कि आपके घर वालों को भी अच्छा लगे कि 5 दिन में आपने कुछ चीजें बहुत अच्छी सीखी है। तो मैं चाहता हूँ कि 5-6 दिन का अपन बहुत अच्छा उपयोग करेंगे, भानु भैया आपके बीच में रहेंगे, किसी की कोई भी समस्या हो, आपके धीरज सर तो है ही आपके साथ में, तो आप उनको बताना, उन समस्याओं को भी अपन दूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप समय पर आए डेली 8 बजे, माने 8 बजे, आज 8 बजे कितने 5-6 लोग थे उस समय, फिर जल्दी जल्दी से आते हैं, ऐसा अपन 8 बजे सभी पूरी क्लास अपनी बिल्कुल बंद हो जाए कि 8 बजे हम लोग आ गए, तो अपन समय का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपके चाय नाश्ता खाना सब व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। तो हमें चाहते हैं 6 दिन में आप बहुत अच्छी चीजें सीखें, और जो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी लगे वो आप अपने घर पे भी बताएं, डेली आप घर पे चर्चा करें, और जो आप जिन चीजों को सीखेंगे उन्हें कैसे अपन व्यवहार में लाएं वो हमारे भानु भैया आज आपको बताएंगे।